तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों बाइक का कंपैरिजन। तो फ्रेम में आपको जो बाइक्स दिख रही हैं, ये है सुजुकी जिक्सर एसएफ 2020 मॉडल, 2019 और 20 का मॉडल है ये, और 250 cc में, प्लस ये 150 cc में। तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों बाइक्स का, कि दोनों बाइक्स में आपको क्या ज़्यादा मिलता है, इसमें क्या ज़्यादा मिलता है, उसमें क्या ज़्यादा मिलता है, या कौन सी बाइक ज़्यादा सुटेबल है, कौन सी बढ़िया है। तो ऑब्वियसली बात है, 250 cc है, प्राइस ज़्यादा है, पावर ज़्यादा, सब कुछ इस बाइक में ही ज़्यादा है, तो मुझे लाइन बोलनी भी नहीं चाहिए थी, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इस बाइक की अच्छी लगती हैं और मैक्सिमम चीज़ें इसकी अच्छी लगती हैं 250 cc की। तो दोनों का मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। इसका ऑलरेडी आप वीडियो में देख भी चुके हैं, पिछली वीडियो में हमने डिटेल वीडियो बनाई थी ओनर के साथ इस बाइक के, जो इसको चला रहे हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से, उनके साथ भी वीडियो बनाई थी, तो वो भी अगर आपको देखने तो आई बटन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उस बाइक की मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बस मॉडिफिकेशन की नहीं बनाई थी, तो वो मॉडिफिकेशन भी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो इस बाइक का जो लुक है, ऐसा सा देखने के लिए लगता है 165 mm का आपको इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। प्लस इस बाइक में आपको क्या मिल जाता है, इस गाड़ी का मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही नीचे बाइक है ना ये, बहुत ही ज़्यादा नीचे लगती है। तो मैं कभी भी अगर दो जने हम लोग बैठे हैं ब्रेकर पे, तो ये हमेशा लगेगी नीचे। और इसमें आपको क्या चेंजेस मिलते हैं उस बाइक के मुकाबले, सबसे पहले तो फेयरिंग आपको देख सकते हैं पूरी चेंज है। इसमें आपको इस टाइप की फेयरिंग मिलती है, जो पुरानी हायाबुसा आती थी वैसी सी इंस्पायर्ड थी, उसकी कॉपी थी ये छोटी सी, बट इसमें जो लुक्स है पूरी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। इसमें आपको पूरा LED सेटअप मिलता है, स्प्लिट LED मिलती है, और इसमें आपको सिंपल हैलोजन बल्ब मिलता है। तो हाईवे पे जो इसका थ्रो है ना, बहुत ही गंदा है, आपको लाइट बिल्कुल दिखती नहीं है, एज कम्पेयर टू दिस वाली, ये वाली जो है ना, इसका भाई थ्रो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्प्लिट LED है और बहुत अच्छा थ्रो आपको मिलता है। और इसमें आपको जो इंजन है आपको 150 cc का मिलता है, तो इसमें आपको 850 ml तेल इसके अंदर डलता है, और जो दूसरे वाली है इसके अंदर आपको 1200 ml डल जाता है। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली बात है 250 cc तो परफॉर्मेंस में इससे ऊपर है। प्लस लुक्स मेरे को इस बाइक के थोड़े ज़्यादा बेहतर लगते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि ये बाइक थोड़ी सी ना, आप देख सकते हैं फ्रेम में भी, मतलब बड़ी महसूस हो रही होगी कि बाइक ये उससे बड़ी लग रही है देखने में, लेकिन स्टिल 250 cc है, सब कुछ इसमें बड़ा है और अच्छा है। और आप देख सकते हैं जो डिस्क ब्रेक है, इसमें भी इसमें आपको थोड़े छोटे मिलते हैं और इसमें आपको बड़े मिलते हैं। तो इस गाड़ी में आपको ABS मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी ABS नहीं मिलता है, सिंपल है बिना ABS के। और मीटर कंसोल की अगर हम बात करें, तो इसमें आपको ऐसा सा मिलता है, ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन लगभग इसमें भी सारी है, बट इसमें आपको इंजन चेक लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है, उस गाड़ी में आपको इंजन चेक लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे आपको जो हैंडल बार है, सबसे मेजर चीज़ तो हैंडल बार है, कि आपको इसमें नॉर्मल सा सिंपल हैंडल दिया गया है, और उसमें आपको क्लिफ ऑन हैंडल मिलता है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये बाइक थोड़ी सी जो हैंडल है, हैंडल वाइज ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा पोस्चर नीचे झुक के बैठना पड़ता है। भैया एक बार आपको दिखा देंगे दोनों बाइक्स पे बैठ के, ये वाली जो बाइक है स्टाइलिश है, ठीक है, आपको बैठते हैं हाँ, स्टाइलिश होती है, बिकॉज थोड़ा सा लीन भी होना पड़ता है, और आपको स्पोर्ट्स लुक देती है ये बाइक, एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब प्रॉपर स्पोर्ट्स लुक इसमें मिलता है, स्पोर्ट्स लुक आएगा आपका, थोड़ा सा लीन होना पड़ेगा। हालांकि अगर आप ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो आपकी कमर दुखेगी अगर आप 50-60 km से ऊपर जाते हो, तो दिस जनरली हैपेंस विद मी, ओके। तो इसके ऊपर ये आपकी पोजीशन आएगी, आप यहाँ बैठोगे, ये पोजीशन आएगी आपकी। तो मैं एक बार साइड से भी दिखा देता हूँ क्या पोजीशन आएगी। तो ये इस टाइप की पोजीशन आपको इस बाइक पे देखने के लिए मिलेगी। अभी भैया उस पर एक बार बैठ के दिखाएंगे कि उस पर आपको क्या पोजीशन मिल जाती है, ताकि आपको दोनों मतलब साइड बाई साइड कंपैरिजन पता लगते रहे। ये वैसे बंद हो गया बानी, 150 cc, ये सेम उसी लुक में आती है, अब लुक्स वगैरह दोनों के सेम रहते हैं जो आप वाली आ रही है। अगर आप इसमें आपको लीन नहीं होना पड़ेगा, तो इसमें आप बिल्कुल सीधे पोस्चर पे बैठे, आपको स्मूथ लुक नहीं देगी, लेकिन ये कंफर्टेबल रहेगी मेरे हिसाब से। हाँ। मैंने कभी राइड नहीं किया ये वाली बाइक, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कंफर्टेबल रहेगी। अच्छा, मतलब इसमें आपको लीन नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आपको ये स्पोर्ट्स लुक नहीं देगी, इतना स्टाइलिश लुक नहीं आएगा इसके। एग्जैक्टली, जो अग्रेसिव लुक उस पर बैठने में आता है ना, वो इस बाइक पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर आपको जनरली अगर बाइक से हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 km ट्रैवल करते हैं, तो 50-60 km ट्रैवल करने के लिए दैट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छा, कौन सा प्रेफर करोगे भैया, ये वाला हैंडल या वो वाला? हैंडल तो मुझे भी वही पसंद है, मतलब लेकिन अगर आप कंफर्ट देखो, हाँ आपकी कमर दर्द कर रही है, बिकॉज जो बुलेट वगैरह होती है या दूसरी बाइक्स जो क्रूजर बाइक्स जो होती हैं, उनमें भी आपका हैंडल ऐसे होता है, राइट? एग्जैक्टली, हाँ, तो उसमें ताकि इसलिए होता है कि आपको लीन ना होना पड़े और आपकी कमर जो ना दुखे अगर आपको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसमें भी यही है यार, इसमें आपको आराम से बैठो आप और चलाओ, और आपकी कमर नहीं दुखेगी। इतना पैसा बंदा खर्च करता है ना, मेरे हिसाब से वो स्टाइल के लिए ही खर्च करता है। Exactly. चलेगी तो मारुति भी और चलेगी मर्सिडीज भी, बिल्कुल भैया, मर्सिडीज क्यों आप पैसा दे रहे हो, क्योंकि स्टाइलिश है। हाँ, तो दोस्तों भैया ने देखो इस 2 मिनट की टॉक में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आपको स्टाइलिश लुक चाहिए, तो आप इस बाइक पे आँख बंद करके चले जाइए, बट अगर आपको कभी कभी लॉन्ग टूर करना है ना, तो आप इस हैंडल पे जा सकते हैं। मुझे पर्सनली हैंडल ये वाला बहुत अल्टीमेट लगता है, लेकिन मैं बाइक पे लॉन्ग टूरिंग करता हूँ, 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर चला जाता हूँ, तो मुझे इसलिए
पर्सनली ये वाला हैंडल ज़्यादा बेटर लगता है, बट मुझे इसका क्या सीट कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं लगती। इसकी सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, मैंने सीट भी मॉडिफाई कराई थी, आप देख सकते हैं कुशनिंग मैंने कराई हुई है, तो मुझे उसके कंपैरिजन में ये वाली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। क्योंकि एक तो स्प्लिट सीट है, इसमें दो जने बैठ सकते हैं बट इसमें नहीं बैठ सकते भाई। इसमें अगर दूसरे वाला बंदा बैठेगा ना, आप देखो कितना ज़्यादा हम्प है, अगर ब्रेक मारोगे वो सीधा आगे आ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम कभी भी दो बंदे गए तो वो आगे स्लिप होता रहता है, प्लस थोड़ी सी भी जगह नहीं बचती है दो बंदे बैठने के बाद। जैसे बैग वगैरह कभी लेके जाना तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होती है। तो सबसे बड़ा नुकसान ना मुझे यार इस बाइक में सबसे जो लगता है ये इसका, देखो कितना नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये देखो मेरा जो मैं ऐसे मुट्ठी रख रहा हूँ ना और अंगूठा तो टच हो जा रहा है, उससे भी कम इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। बट एज कम्पेयर टू इस बाइक में देखो कितना ज़्यादा है। तो ये मुझे लगता है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की दिक्कत है, शॉकर की दिक्कत है किस चीज़ की दिक्कत है, बट हाँ ये बाइक मेरी लगती है भाई। अगर मैं ब्रेकर पे जा रहा हूँ ना तो 10 ब्रेकर में से 8 ब्रेकर 9 ब्रेकर पे बाइक लग जाती है, अगर दो जने बैठे हैं। अगर एक अकेला बैठा तो शायद ना लगे, लेकिन लगती है ऑब्वियसली बात है। प्लस सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को इस बाइक का भाई, इस बाइक का माइलेज भैया ने बताया 30-35 का माइलेज भैया को मिलता है। मुझे इस बाइक पे हाईवे पे 45-50 का माइलेज बहुत ईजीली निकाल देती है। अगर मैं सेम स्पीड पर जिस पर भैया चलते हैं उस पर चलता हूँ तो मेरे को 45-50 का दे देती है। मैंने 52 का भी निकाला है। मैं अम्बाला से नाहन कितना किलोमीटर आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा फिर कितना है। उतना दूर मैं 900 ml तेल में गया था, मतलब एक लीटर भी नहीं लगा था मेरा, 50-55 के आसपास है। तो मुझे माइलेज वाइज बहुत अच्छा लगता है। प्लस एक बहुत गंदी चीज़ क्या लगती थी, इसकी जो फेयरिंग है ना बहुत ही, ये जो वाइज़र है ना बहुत ही छोटा था, तो मैंने एडिशनली ये वाइज़र लगवाया है। ये मैंने अमेजन से परचेज किया था 250 रुपये का। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो कर सकते हैं, खुद ही लगा सकते हैं, मैंने भी खुद ही लगाया था। तो ये इससे क्या है, देखो थोड़ी लुक इसकी एनहेंस हो गई है। अगर ये वाइज़र ना होता ना तो भैया की बाइक की लुक ज़्यादा एग्रेसिव लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बट ये थोड़ी ऊँची इसीलिए लग रही है क्योंकि इसका जो है मैंने वाइज़र चेंज कराया हुआ है। और कुछ अगर आपको दोस्तों लगता है, टायर दोनों के बाइक एज इट इज सेम है, बस डिस्क में फ़र्क है, इसके डिस्क बड़े हैं पीछे, इसमें डिस्क नहीं मिलते हैं। नॉन ABS बाइक है, 2016 मॉडल थी, 2016 में जो आती थी, अब तो जो आ रही है 150 cc भी सेम एज इट इज़ इसी लुक में आ रही है। मतलब जो लुक्स आपको इस बाइक के देखने के लिए 150 cc में भी सेम वही लुक्स मिलेंगे। डिफरेंस क्या मिलेगा, बस इंजन का। और सबसे बड़े एडवांटेज की इसमें 6 गियर है, इसमें सिर्फ 5 ही गियर है। इसमें किक मिल जाती है और इस बाइक में किक नहीं मिलती। ये मुझे एक तरीके से डिसएडवांटेज भी लगता है और एडवांटेज भी लगता है। आपको क्या लगता है भैया, किक होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? लेकिन इनका सिस्टम इतना एफिशिएंट है यार, मतलब जो ये स्टार्ट वाला होता है, बटन स्टार्ट वाला होता है, इतना एफिशिएंट है, इसमें किक की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ नहीं पड़ती है, कभी कंपनी ने बनाया होगा ना इसे। हाँ, और मतलब बहुत ही आपकी किस्मत खराब है ना कि आपकी बैटरी खत्म हो गई है, कुछ हो गया। 4-5 दिन हो गए पहले मैंने इसको लगा के भूल गया, मैं इसको लगी हुई थी ये और मैंने ऐसे निकाल के, मतलब ये ऑन रहती बाइक और इसकी जलती रहती है लाइट, हम इसको ऑफ नहीं कर सकते जो उसका लो बीम है। हाँ हाँ, तो वो लगी रह गई और ना 4-5 घंटे में ये इसकी बैटरी भूल गई थी। ओके, फिर आपने चार्ज कैसे की? चार्ज वो मैं एक लड़का था उसे धक्का लगवाया और हो गई स्टार्ट। हाँ, तो देखो ये चीज और है कि मतलब गाड़ी तो है नहीं यार कि आपको 4 बंदे चाहिए धक्का लगाने के लिए। आप अगर खुद भी धक्का लगाओगे तो भी स्टार्ट हो जाएगी, बट उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, नौबत नहीं आती है। बट आप ऐसा ना करो, मतलब ध्यान रखो कि यहाँ बाइक ऑफ हो, बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आपकी ये ऑन रह गई चाबी लगी हुई, हाँ, तो इसमें जो लो बीम है वो जलती रहेगी। हाँ, ये जलती रहती है हमेशा। हाँ, और आपकी बैटरी 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगी। हाँ, तो उसमें बस ये है कि भाई इसमें बस ये फायदा है कि भाई अगर आपकी बैटरी भी खत्म होगी तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ हुआ था पीछे, जब मैं बाहर घूमने चला गया था बाइक छोड़ के घर पे, तो मैं आया तो भैया मेरे को बैटरी इसकी पूरी ड्रेन मिली, ठीक है, तो फिर मैंने किक से स्टार्ट कर ली। 3-4 दिन में मेरे को बैटरी चार्ज करने का टाइम नहीं मिला तो मैं किक से स्टार्ट करता रहा, तो फिर बाद में मैंने फाइनली बैटरी को चार्ज भी लगाया और फिर अभी ये बाइक ठीक चल रही है। तो ये था कुछ मोटा मोटा कंपैरिजन इस बाइक्स में। अगर देखो फेयरिंग लगभग इस बाइक की थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है मुझे, क्योंकि इसकी जो लुक्स है ना यार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही हायाबुसा जैसी लगती है। दोस्तों मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी है इस वीडियो में, क्या क्या आपको चेंज मिलता है, क्या क्या सिमिलर मिलता है। तो कंफर्ट वाइज वो बाइक थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सिर्फ हैंडल के अकॉर्डिंग सीट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है, वैसे तो अभी ये बाइक आती नहीं, अगर आपको लेनी है तो आपको सेकंड हैंड लेनी पड़ेगी, नहीं तो मिलेगी। लॉन्ग टूरिंग के लिए तो फिर आप क्रूजर बाइक ले जाओ। अगर आपको लॉन्ग टूरिंग ही आपका पर्पस है कि आपको 100-150-200 किलोमीटर जाना है या फिर आपको हर महीने ऐसा जाना है, तो मेरे हिसाब से वन शुड गो फॉर क्रूजर बाइक। अच्छा, कोई एक बाइक रिकमेंड करेंगे भैया? जो यार मुझे क्रूजर बाइक में, बिकॉज मैंने बुलेट ही चलाई है, जो अभी नया है थंडरबोल्ट, वो मेरे को पसंद है यार। कौन सा मॉडल है और क्या दिक्कत आपको आई थी वो बता पाएंगे मुझे? उसमें रॉयल एनफील्ड में, हाँ, स्टैंडर्ड में, हाँ। स्टैंडर्ड में कोई ना कोई दिक्कत रहती रहती थी हमेशा, कभी उसका प्लग खराब हो गया, कभी उसका
इंजन में दिक्कत हो गई, कभी उसकी टैंकी में दिक्कत हो गई, मुझे कोई दिक्कत ही रहती है। कौन सा मॉडल है भैया आपका? और वो पुराना था यार, वो 2011 मॉडल है। अच्छा, तो मतलब लेटेस्ट वाला ये जो क्या बोलते हैं किक सीधी साइड आती है वही है, है ना, वही वाला है। तो दोस्तों यही है कि सही कह रहे हैं भैया कि अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करनी है तो आप किसी भी क्रूजर बाइक पे जा सकते हैं, जैसे कि रॉयल इनफील्ड जा सकते हैं, एसडी वगैरह भी आ गए हैं तो उनके भी जा सकते हैं अगर आपको लेनी है तो। बजाज की एक एवेंजर आती है, वो भी ठीक बाइक है कम बजट में, बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है तो इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, इससे थोड़ा ईजी है। तो दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैंने लिस्ट किए हुए हैं, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपसे मेरे को तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।